पोषाणा के संस्कार विद्या मंदिर में स्वेटर वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। साइलापुर क्षेत्र के पोषाणा गांव स्थित संस्कार विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय में भामाशाह केवाराम पुत्र कपूराराम सुथार पोषाणा की ओर से 200 विद्यार्थियों को स्वेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर अजय पाल सिंह के मुख्य अतिथि तथा आरपी सुरेश चंद्र बेनीवाल की अध्यक्षता में किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में मेंगलवा पीओ सगनलाल गोस्वामी, कपूरगिरी बावत्रा, स्वाई सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर अजय पाल सिंह ने कहा कि भामाशाह केवाराम सुथार की ओर से विद्यालय के विद्यार्थियों को इस सर्दी के अवसर पर स्वेटर वितरण करके बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। अगर छात्र छात्राओं के हित के लिए किसी भी तरह की सामग्री की जरूरत इस विद्यालय में पड़ेगी तो हम तत्पर रहेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि सगन्नाथ गोस्वामी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा हमारा मूलधन है, इसको पाने के लिए आप कड़ी से कड़ी मेहनत करें, इसमें अगर कोई बाधा आएगी तो हम आपकी तन मन से मदद करेंगे। इस मौके पर पार्षद राजपुरोहित गजेंद्र सिंह दहिया, रत्ताराम देवासी, रमेश कुमार माली, मालाराम सुथार, राजाराम माली, नरपत कुमार सुथार, राजू सिंह, वचनाराम, सुरताराम सौंदरी, कैलाश कुमार सुथार, प्रकाश कुमार माफी सेन समेत कई जने मौजूद रहे। जब मैं सेवा में आ गया और हम बच्चों को पढ़ाने लगे, उस समय आपके विद्यालय के संचालक चौपाराम जी हमारे शिष्य हुआ करते थे। उस जमाने में थोड़ा परिवर्तन आया और आपने मंगलवा के अंदर OCPW का शिविर किया था, उस समय स्टाफ की भयंकर कमी थी। तो ये मैं जब भी जाता हूँ, मौका मिलता है तो मैं कहता हूँ, उस समय की खासियत ये रही कि काफी बच्चे हुआ करते थे, 10th की स्कूल थी और इन बच्चों ने 10th के बच्चों ने पूरे छत्तीस से लगा करके 10वीं तक का कैंप स्वयं आयोजित किया और मैं भी वहां पर एक विद्यार्थी मित्र के रूप में था, केवल देख रेख में था, स्थायी शिक्षक कोई नहीं था। लेकिन वो शिविर इतना बढ़िया ढंग से आयोजित हुआ था कि जो गांव से निरीक्षण के लिए आते थे उन्होंने उनकी प्रशंसा की। तो बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में, बिना शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों ने एक सामूहिक रूप से कार्य किया मिलकर के, वो अनुशासन की भावना आज दिन तक इनके अंदर काम कर रही है और इनके कामों में मैं आज भी देखता हूं। तो ये बचपन में बच्चों की आज पे बल जाती है। तो इस प्रकार से आपने संस्कारों का बीजारोपण किया जा रहा है इस विद्यालय के माध्यम से, वो काबिले तारीफ है। दूसरी बात, आपके सामने टेबल के ऊपर क्या पढ़े बताओ, श्वेता किन के लिए? आपके लिए। कहाँ से आए, कहाँ से आए? दिल्ली से आए, यानी बच्चों को पता नहीं कहाँ से आए। जो कार्य गतिविधियां हुई अपने स्कूल के अंदर वास्तव में सराहनीय है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा इस OCPW शिविर की समय के साथ में किस प्रकार से इसमें बदलाव आ गया है। शुरुआत में मैं पढ़ता था, उस जमाने में हमारा ये कार्यक्रम आवासीय होता था, हम स्कूलों के अंदर रहते थे, स्कूल के अंदर समस्त प्रकार के कार्यक्रम हम अपने हाथों से करते थे, कपड़े धोना, खाना बनाना, विद्यालय की साफ सफाई करना, गांव में जाकर के सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई करना और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह सब होता था। और आज जैसा आपका मूल्यांकन हुआ उसी प्रकार से हमारा भी एक पैनल आकर के मूल्यांकन करता था और अंक दिए जाते थे और जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त होता था उनको इनाम मिलता था, ऐसा कार्यक्रम था। धन का अपन किस प्रकार से सदुपयोग कर सकते हैं और जिस प्रकार से अपने समक्ष आदर्श व्यक्ति होते हैं उनके आदर्शों को ग्रहण करके हमें अपने जीवन में सर्वांगीण विकास हेतु सदैव तत्पर रहना चाहिए, तभी अपना जीवन है वह संपूर्ण रूप से विकसित और सार्थक माना जाएगा। पुनः मैं स्थानीय संस्था के संस्था प्रधान, समस्त स्टाफ बंधुओं और विराजमान ग्रामीण सज्जनों और विशेष तौर से आज के इस कार्यक्रम के भामाशाहों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और स्थानीय विद्यालय को भी आभार देना चाहूँगा कि आपने हमें याद करके आपके दर्शन का लाभ दिया। इसके लिए आपका कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत।